यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लतन लाल को ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। डॉक्टर रतन लाल के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत दर्ज हुई थी। और सीधे हिमांशु मिश्रा का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या ये नारेबाजी थमी है? क्या ये विरोध, क्या ये प्रदर्शन थमा है? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजीव आर्ट फैकल्टी, डी यूनिवर्सिटी का जो आर्ट फैकल्टी है नॉर्थ कैंपस का, और वहाँ की तस्वीरें, मैं सीधी तस्वीरें आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। आप देखिए, यहाँ पर बाहर जो लेफ्ट विंग से जुड़े छात्र हैं, एसएफआई आयसा, वो छात्र यहाँ पर 11 बजे जैसा कि पहले से ही तय था यहाँ पर देखिए पहुंचे हैं। इनका जो अपना तरीका है, इनके पास गफली है, इनके पास ये देखिए जो अपने अपने संगठन के बैनर ले रखे हैं, तमाम गफलियां लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं। और इस तरीके के देखिए इनके हाथ में तमाम पोस्टर और बैनर है और नारे लगातार इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, खासतौर से जो रतन लाल की गिरफ्तारी हुई है उनकी रिहाई को लेकर के। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। और यहाँ पर आप देखिए, ये ठीक आर्ट कैंपस के बाहर की तस्वीरें हैं जो नॉर्थ कैंपस का आर्ट कैंपस है। और यहाँ पर हम कुछ छात्रों से बात भी करते हैं जो लगातार जो नारे हैं वो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और सिर्फ यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है राजीव, वो सिर्फ रतन लाल से ही नहीं जुड़ा हुआ है, इसके अलावा लगातार जैसा कि हम सुनते आए हैं जो जेएनयू से भी जुड़े हुए नारे हैं, आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो और भी गिरफ्तारियां यूएपीए के तहत हुई है उनके लिए भी यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं।